नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस जिला नवगछा में अपराधी बेखौफ, दिन दहाड़े व्यक्ति की गोली मार कर की हत्या। भागलपुर पहुंचे डीआरओ ने चेंबर अधिकारियों के साथ की बैठक, रेल डाक एवं पार्सल को लेकर हुई चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को लेकर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, बेहतर कार्य करने वालों को किया गया सम्मानित। भागलपुर एसएसपी कार्यालय के समीप दो मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर, एक युवक की हुई मौत, दूसरे की हालत गंभीर। और विश्वविद्यालय में छात्र राजद ने किया जमकर बवाल, टीएनबी के प्राचार्य को हटाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। पुलिस जिला नवगछा के गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच 31 के लक्ष्मीपुर चौक पर दिन दहाड़े चौराहा पर बाइक सवार तीन अज्ञात अपराधी ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे गोली युवक के सीने और हाथ में जा लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गोसाई गांव के 25 वर्षीय राजा राम यादव के रूप में हुई है, जिसे गोली लगने के बाद स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए नवगछा अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। घटना यही हुआ है सर कि वो एपी घाट के जस्ट उस पार में जो है ना विवाद, वही पत्नी गोली मारा उसको, तो हम लोग जब जो हल्ला हुआ ना कि उस जगह जो है राजा गोली मार दिया, तो हम लोग चिन्ह प्रतिशत समय दोस्ती है। जब गए देखने के लिए देखे उसको जो है ना पूरा खून से तर बतर था, तो गमछा लेकर के उसको बहुन दिए। अब बहुनने के बाद उसको एपी झाके उस पार जलालाग पास टपाए, टेम्पो लगा हुआ था, टेम्पो पे उसको लोड किए, मगर टेम्पो वाला जानने के लिए तैयार नहीं था। तो उसको बहुत बोलने के बाद उसको हम बोले दम साफ के रखो, और उसके बगल बेचारा वो बहुत साफ के रखा, और साफते रखते रखते वो जो है आपका डब्ल्यू यादव के आगे जो शोरूम से आगे जो है कचहरी तक आ गया था वो, मगर कचहरी के बाद वो जो है हवा सपना खो दिया। इस कारण से वो क्या नाम है जिसको लगा है गोली, राजा नाम है। मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास कुमार चौबे शनिवार को भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ रेल डाक एवं पार्सल के निर्यात को लेकर बैठक की। बैठक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्रवण कुमार बाजोरिया समेत कई लोगों ने डीआरएम के समक्ष अपनी बात रखी। इस दौरान खास तौर पर व्यापारी वर्ग और रेलवे के बीच आपसी समन्वय हो, इस पर भी बातचीत हुई। जबकि बैठक में चैम्बर के सभी सदस्यों ने डीआरएम के समक्ष पार्सल भेजने में होने वाली समस्याओं को रखा, जिस पर डीआरएम ने इन समस्याओं पर तुरंत संज्ञान में लेकर समाधान का भरोसा व्यापारियों को दिया। वही बैठक को लेकर डीआरएम ने बताया कि भागलपुर यात्रियों के अलावा औद्योगिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण शहर है, और ऐसे में यहां के व्यापारी वर्ग के लोगों का सामान दूसरे राज्यों में निर्यात हो सके, इसको ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। साथ ही रेलवे के विकास कार्य से जुड़े कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई। साथ ही कहा कि भारतीय रेल की ओर से टर्मिनल टू टर्मिनल उत्पाद पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें व्यापारी वर्ग की मूलभूत समस्याओं को जानना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि लंबे समय से जिले में राजधानी एक्सप्रेस के परिचालन की मांग की जा रही है, और इसके लिए भी मंडल स्तर से कागजी प्रक्रिया पूरी हो गई है, और मुख्यालय का निर्देश मिलते ही आगे की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। देखिए, भागलपुर यात्रियों के संदर्भ में तो महत्वपूर्ण शहर है ही है, लेकिन उद्योग के कॉन्टेक्स्ट में भी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए भागलपुर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ आज मुलाकात हुई, बैठक हुई, इनफॉर्मल चर्चा हुई, जो जो ग्रोथ के एवेन्यूज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके ऊपर बातचीत हुई, कहाँ कितना माल किस माध्यम से जा रहा है, तो उनकी लॉजिस्टिक्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके बारे में ट्रेड के सभी सम्मानित मेंबर्स ने हमको अवगत कराया। जो चीज़ें हमको प्रॉब्लम्स के रूप में सामने आ रही हैं, रेलवे उसमें जो जो मदद कर सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक नया प्रोडक्ट जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट के नाम से है, जो कि भारतीय रेल और इंडिया पोस्ट की पहल है, जिसमें दोनों विभागों ने इकट्ठा होकर के इस प्रोडक्ट को डेवलप किया है, जिसमें कि न केवल टर्मिनल टू टर्मिनल ट्रांसपोर्टेशन बट कि फर्स्ट एंड लास्ट माइल की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, और एक सिंगल बिल्टी जिसको कहते हैं सिंगल पी वे बिल, पार्सल वे बिल, सिंगल बिल के तौर पे आपको ये सुविधा डोर टू डोर उपलब्ध हो जाएगी। इंश्योरेंस भी इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, मैकेनाइज्ड लोडिंग अनलोडिंग।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को लेकर शनिवार को भागलपुर में कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर में मानवाधिकार दिवस के मुद्दे पर लोगों ने अपनी अपनी बात रखते हुए इसके महत्व पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की। वहीं शहर के महात्मा गांधी रोड स्थित मानव अधिकार संगठन कार्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इधर कार्यक्रम को लेकर संगठन के महासचिव अजीत कुमार सिंह ने बताया कि यह संगठन मूल रूप से आमजनों के मौलिक अधिकारों को लेकर बनाया गया है, जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी। अजीत सिंह ने कहा कि शुरुआती दौर से ही मानव अधिकार संगठन लोगों की सेवा में तत्पर है और समाज के हर हिस्से में न्याय के लिए आवाज उठाती रही है। उन्होंने कहा कि हर रास्ते बंद होने पर मानवाधिकार संगठन से लोगों को न्याय की उम्मीद रहती है। साथ ही कहा कि संगठन लोगों को जोड़ने से बनता है और मानवाधिकार संगठन के सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए ऐसे लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है। इस दौरान संगठन के कई सदस्य एवं बुद्धिजीवी मौजूद रहे। अधिकार दिवस है और मानवाधिकार संगठन लगातार अपने स्थापना काल से मानवाधिकार दिवस कार्यक्रम को आहूत करते आ रहा है। विशेष ये है कि मानवाधिकार संगठन की स्थापना भी आज ही के दिन 2004 में हुई थी। तब से हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, मानवाधिकार को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए प्रयास करते आ रहे हैं। इसमें कितनी सफलता और कितनी विफलता मिलती है, इस पर तो बृहद चर्चा की बात है, लेकिन हमारी उम्मीद है कि अगर हम 1% भी सफल हो जाते हैं तो यही हमारी सफलता होती है। भागलपुर एसएसपी कार्यालय के समीप दो बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बाद में एक युवक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। वहीं इसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार युवक नशे में धुत थे, जिसके कारण यह घटना हुई, जबकि इसके बाद दो घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इसमें से एक युवक मौके से मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। इधर लोगों का कहना है कि उन लोगों के द्वारा पुलिस को घटना की जानकारी देने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ही घायल को इलाज के लिए माइगन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा दोनों युवक की हालत नाजुक बताई गई, जबकि बाद में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। कितना आदमी थे? 3 आदमी यहाँ पे बोला जा रहा है। 3 आदमी था, 3 आदमी था। हाँ, एक आदमी था अर्बन फाइटर। सबको कहाँ भेजा? तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एक बार फिर से आंदोलन की शुरुआत हो गई है। एक बार फिर से छात्र राजद ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है, जिसको लेकर शनिवार को कुलपति और कुल सचिव का विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने छात्रों ने पुतला दहन करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसको लेकर बताया जा रहा है कि TNV कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय चौधरी का कार्यकाल 5 दिसंबर को पूरा हो गया और इसके बाद प्रिंसिपल के द्वारा विश्वविद्यालय को लिखे गए पत्र पर विश्वविद्यालय के द्वारा कमेटी भी गठित कर दी गई है। वहीं मामले पर छात्र राजद का कहना है कि प्राचार्य पर पहले से ही भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं और कई रिपोर्ट में वह दोषी भी पाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन ने नहीं हटाया। इधर आंदोलन कर रहे छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से अविलंब उन्हें प्रिंसिपल के पद से हटाए जाने की मांग करते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो छात्र राजद विश्वविद्यालय में चरणबद्ध आंदोलन जारी रखेंगे। हालांकि इस मामले पर TNVU के कुल सचिव का कहना है कि छात्रों के आंदोलन को देखते हुए कुलपति से बात करेंगे और कुलपति के द्वारा दिए जाने वाले आदेश के अनुसार ही कोई भी फैसला लिया जाएगा। पुतला दहन करने का मेरा हम लोग का एक ही मात्र उद्देश्य था कि बीते 6 दिसंबर को TNV के वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार चौधरी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जो कि कई तरह के वित्तीय अनियमितता, परीक्षा में कदाचार बढ़ाने तथा अन्य कई आरोपों में दोष सिद्ध हो चुके हैं। विश्वविद्यालय के द्वारा, राजभवन के द्वारा उनके ऊपर उनके क्रियाकलाप पर टीका टिप्पणी की गई है और उस सारी चीज़ को देखते हुए भी विश्वविद्यालय प्रशासन अब तक उन्हें कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया गया है, जो कि एक TNV कॉलेज की गरिमा तथा विश्वविद्यालय के गरिमा के खिलाफ है। इसके लिए हम लोग आज पुतला दहन किए हैं कि उन्हें अविलंब पद से हटाया जाए। परेशानी कुछ नहीं है, इनके द्वारा हमको जो इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया उसको वो देखे हैं और आज भी इन्होंने जो रिप्रेजेंट किया है उसको गहन अध्ययन करके मैं इस बात को VC साहब को इस बात से अवगत कराऊंगा और VC साहब जो डिसीजन लेंगे उससे भी हम इन लोगों को अवगत कराएंगे। VC साहब अभी बीमार चल रहे थे, अभी डेरा से ही काम कर रहे हैं। जैसे ही उनके पास हम जाएंगे और
उनको अवगत कराने के बाद जो वो डिसीजन लेंगे हम छात्रों तक उसको पहुंचा। भागलपुर में आए दिन विद्यालय में मिड डे मील की गुणवत्ता में कमी आने को लेकर कई क्षेत्रों के स्कूल में अभिभावक आंदोलन करते दिखे, जबकि इस मामले में कई विद्यालयों के बच्चे मिड डे मील का जहरीला भोजन कर बीमार भी होते दिखे हैं, लेकिन इसके बाद भी विद्यालय प्रबंधन इससे सबक लेता नहीं दिख रहा है। दरअसल ऐसा ही कुछ मामला भागलपुर के रजंदीपुर से सामने आया है, जहाँ सबौर के रजंदीपुर मध्य विद्यालय में मिड डे मील में कीड़ा मिलने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इसको लेकर परिजनों का कहना है कि पिछले 4 दिनों से खाने में कीड़ा निकल रहा है और जब इसकी शिकायत प्रधानाध्यापक से की गई तो उन्होंने इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। साथ ही कहा कि जब बच्चों ने अपनी थाली की खिचड़ी में मरे पिल्लू को दिखाया तो प्रधानाध्यापक ने उसे चावल का लंबा दाना बता दिया, जिससे प्रबंधन की लापरवाही साफ नजर आ रही है। वहीं इसको लेकर परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया और गुणवत्तापूर्ण खाना नहीं देने की शिकायत करते हुए इस मामले पर संज्ञान लेने की मांग प्रशासन से की। मामला ये था कि जो बच्चे का खाना खिचड़ी आता है उसमें ग्रामीण और बच्चों ने शिकायत किया कि जिला परिषद महोदय खाना में कीड़ा निकल रहा है, इस पर बच्चे बीमार हो जाएंगे। इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए मैंने खाना को जांच किया, सही पाया गया, इसलिए उस पर कार्रवाई के लिए मैं DO भागलपुर BDO सबौर को भी सूचित किए और व्हाट्सएप भी किया और मिड डे मील वाले के सुपरवाइजर से लिखित में लिए कि हाँ आज कीड़ा निकला है। टीचर इसमें कितना दोषी है? देखिए, शिक्षक अपने बच्चे के तरह अगर विद्यार्थी को समझे तो ये टीचर की मानता होगी। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर नगर निगम अंतर्गत खंजरपुर स्थित भवानी कन्या मध्य विद्यालय संकुल संस्थान केंद्र शनिवार की सुबह छात्र छात्राओं ने जमकर बवाल काटा और विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसको लेकर बताया जा रहा है कि मध्य विद्यालय के 40 बच्चों को खेलकूद प्रतियोगिता और भ्रमण के लिए शनिवार को विद्यालय प्रबंधन की ओर से जगदीशपुर ले जाया जाना था, लेकिन सुबह के वक्त तैयार होकर स्कूल पहुंचे बच्चों को विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य सुबोध कुमार ने जगदीशपुर भेजने से मना कर दिया। वहीं इसके बाद कई दिनों की तैयारी के साथ प्रैक्टिस कर चुके बच्चों ने विद्यालय परिसर में ही धरना देकर नारेबाजी शुरू कर दी। इधर बच्चों के बढ़ते विरोध को देखकर जब विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य सुबोध कुमार से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने आर्थिक समस्या का हवाला देकर बच्चों को जगदीशपुर नहीं भेजने की बात कही। प्रभारी प्रधानाचार्य ने कहा कि विद्यालय का भवन और प्रधानाचार्य कक्ष निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें उन्हें कुछ आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वित्तीय अधिकार उनके पास नहीं होने के कारण वो बच्चों को भेजने में असमर्थ है। वहीं आक्रोशित बच्चों का कहना है कि पहले तैयारी करा दी गई और उन सभी ने अपने पैसे से ड्रेस और स्वेटर समेत कई सामान खरीद लिया, लेकिन अब जब सारे की तैयारी कर स्कूल आ गए तो प्रभारी प्रधानाचार्य भेजने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि शिक्षक सुबोध कुमार ने कुछ दिन पूर्व अपने खर्च पर बच्चों को किलकारी के कार्यक्रम में भेजने की बात करते हुए कहा कि बिना वित्तीय प्रभार मिले वे अपने खर्च पर बच्चों को नहीं भेज सकते हैं। ऐसे में बड़ी बात यह है कि जब प्रधानाचार्य द्वारा बच्चों को नहीं भेजना था तो आखिर उन्हें झूठा आश्वासन देकर क्यों स्कूल बुलाया गया, जिससे बच्चों में आक्रोश उबल गया। कॉम्पिटिशन होने वाला था जगदीशपुर में, जो कि मैसेज भी बहुत पहले मोबाइल पे सर लोग के आ गया था, पर सर बोले कि मीटिंग कर लो। हम लोग मीटिंग रख लिए, मैडम से सलाह ले लिए कि जाना है कि नहीं। सारे मैडम रेडी हो गए, सर भी रेडी हो गए थे, फिर 9 बजे रात में आके कैंसिल कर दिए। फिर सुबह आए, सब बच्चा को घुमा रहे हैं, तो हम लोग का भविष्य नहीं है दौड़ने का। हमारे पास वित्तीय कोई राशि नहीं मिला है,
और इन्होंने कह रहा है कि आप गबन किए हैं। ये राशि मुआयना होगा हमारे प्रधानाध्यापक के द्वारा। आप किस पोस्ट पे? हम अभी प्रधानाध्यापक पर हैं। आप बोल रहे प्रधानाध्यापक खुद, और ये प्रधानाध्यापक एक विद्यालय में और हैं श्री देवानंद सिंह, इन्होंने की गैर योजना में अपना आज तक नौकरी निभा रहे हैं। विद्यालय के प्रति उनको जरा सा श्रद्धा ही नहीं था। तो प्रेजेंट में तो हम शुरू कथा किए, उस कथा में हमको बाधा ही बाधा मिल रहा है। तो ये बच्चे का भविष्य का खिलवाड़ नहीं हुआ सर, इसमें भविष्य का भविष्य का खिलवाड़, ये हमारा रोज का प्रैक्टिस है। हमको खुद दर्द हुआ, हम आज तीन दिन चार दिन पहले हमारा जो कोचर था, कोचर बोला कि सर जगदीशपुर हुआ है जाने का। हम बोले जगदीशपुर भैया हम नहीं भेज सकेंगे, उतना दूर है, थोड़ा दूर यहाँ बरारी भेजे तो हम डेढ़ घंटा तक तो रोड पर घूमते रह गए। अब हम वहाँ जगदीशपुर भेजेंगे तो पता नहीं रात भर हमको रोडे पर रहना नहीं पड़ जाए। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया नास्पी की ओर से शनिवार को मानवाधिकार दिवस को लेकर स्ट्रीट वेंडर्स के समर्थन में कई अहम बातें कही गई। इस दौरान वेंडर्स की आजीविका के अधिकार का हनन करने का आरोप लगाते हुए नास्पी के पदाधिकारियों ने इस पर अविलंब रोक लगाने की मांग प्रशासन से की। वहीं मीडिया से बात करते हुए नास्पी के अधिकारियों ने कहा कि संविधान के धारा 19(1)(g) और 21 के तहत रोजगार करने एवं जीवन के अधिकार के मद्देनजर स्ट्रीट वेंडर्स के आजीविका के संरक्षण के लिए स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 को लागू किया गया। उन्होंने कहा कि कानून के क्रियान्वयन के लिए कोविड-19 महामारी के समय प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स स्वनिधि योजना लागू की गई। साथ ही कहा कि वर्तमान समय में अधिनियम और योजना के प्रावधानों के प्रति घोर प्रशासनिक अवहेलना के मामले सामने आ रहे हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकारों का हनन है। इसके अलावा अतिक्रमण की परिभाषा तय करने, सर्वेक्षित सभी वेंडर्स को विक्रय प्रमाण पत्र देने, वेंडर्स को प्रताड़ित नहीं करने और जल्द से जल्द वेंडिंग जोन को चिन्हित कर सभी वेंडर्स को सर्टिफिकेट और स्थान उपलब्ध करने की मांग की। मौके पर संतोष कुमार, राजीव कुमार, क्रांति कुमार, आलोक कुमार चौधरी समेत राज्य स्तरीय समिति के सदस्य रंभा देवी, रूना देवी और दर्जनों फुटकर विक्रेता मौजूद थे। घुमा फिरा करके बदनाम फुटपाथ दुकानदार है। अगर आज फुटपाथ पे जो जरूरत की सामान है जो हमारे गरीब भाई बंधु बेच रहे हैं, अगर वह नहीं बेचेंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी आगे हमारे समाज के लोगों को। इसीलिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जो हमारा फुटपाथ दुकानदारों का कानून है उसका अनुपालन हो। टाउन वेंडिंग कमेटी का बैठक पिछले 7-8 महीने से नहीं किया गया है। जब से नए नगर आयुक्त आए हैं तब से एक बार भी टाउन वेंडिंग कमेटी का बैठक नहीं किया है। लेकिन हम लोग मान करते हैं कि जल्दी से टाउन वेंडिंग कमेटी का बैठक करें ताकि बहुत सारे ऐसी योजना है जो फुटपाथ दुकानदारों से संबंधित जो भी निर्णय लेना है वह टाउन वेंडिंग कमेटी लेती है, जिसका अभी तक बैठक नहीं कर पाए हैं। नई शिक्षा नीति के तहत शनिवार को भागलपुर नाथनगर के संत पॉल स्कूल में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विज्ञान मेला में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विज्ञान से संबंधित विषयों पर प्रदर्शनी प्रदर्शित की गई, जबकि भारत के विभिन्न प्रदेशों की वेशभूषा, खान पान एवं कला संस्कृति को भी प्रदर्शित किया गया। वहीं इस दौरान नई शिक्षा नीति कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा लगाई गई एक से बढ़कर एक विज्ञान प्रदर्शनी को देखकर लोगों ने खूब सराहना की। इधर स्कूल के प्राचार्य ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास कर पढ़ाई के साथ हर क्षेत्र में प्रायोगिक तरीके से आगे बढ़ाना है। के आधार पर NEP के आधार पर बच्चों के साथ में केवल क्लासरूम टीचिंग नहीं, उसके साथ साथ एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग भी होना है, क्रिएटिविटी लाना है बच्चों में। इस पर्पस को लेते हुए साइंस और आर्ट्स दोनों पर ध्यान देते हुए प्रोजेक्ट बना करके बच्चे अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि NEP के को जो 2023 से लागू हो रहे हैं स्कूल्स में, उसमें ये सही रूप से लोग अभी से तैयार हो जाएं कि उसमें अच्छे से हम लोग NEP को फॉलो कर सके स्कूल में। भागलपुर चंपानगर स्थित गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर नरगाकोठी प्रांगण में भारतीय शिक्षा समिति की ओर से आचार्य प्रतिभा विकास वर्ग का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के दूसरे दिन गोराडी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अजेश्वर पांडे, विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री ख्याली राम, प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक एवं विभाग प्रमुख विनोद कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर प्रतिभा विकास वर्ग किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीडीओ अजेश्वर पांडे ने कहा कि विद्या भारती पूरे देश में संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान कर रही है, जबकि सरस्वती शिशु मंदिर संस्कार पूर्ण शिक्षा देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अपने संस्कार को लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पारंपरिक शिक्षा और संस्कारित शिक्षा दी जा रही है, जिसके लिए प्रबंधन सराहना की पात्र है। वही ख्याली राम ने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं और ये काम सरकार का है, यह सोचकर अगर छोड़ दिया जाता है तो इससे देश और भावी पीढ़ी का बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि SDFI द्वारा अनुशासन का प्रमाण पत्र केवल विद्या भारती के विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को ही मिला है। कार्यक्रम में आचार्यों के बीच विद्यालय से आशुभाषण, हिंदी सुलेख, अंग्रेजी सुलेख एवं चित्र प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले आचार्य को पुरस्कृत भी किया गया। मन संचालन अमरपुर के प्रधानाचार्य रंजीत कुमार मिश्र ने और अतिथि परिचय विभाग प्रमुख विनोद कुमार ने किया। मौके पर विभिन्न जिलों से आए विद्या भारती के पदाधिकारी और शिक्षक शिक्षिका मौजूद रहे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के खेल कैलेंडर से बॉक्सिंग को हटा दिए जाने के बाद बॉक्सिंग से जुड़े खिलाड़ी काफी आक्रोशित हैं। हरियाणा के रोहतक में जनवरी में होने वाले बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए 12 दिसंबर तक विश्वविद्यालय को एंट्रेंस के लिए रिपोर्ट भेजनी है, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय के द्वारा हरियाणा में होने वाले बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए लेटर नहीं भेजा गया है। इसको लेकर बॉक्सिंग से जुड़े छात्र छात्रा विश्वविद्यालय के कुलसचिव से मिले और जहां खिलाड़ियों ने कुलसचिव से इस संबंध में जल्द से जल्द निर्णय लेकर उन लोगों को हरियाणा में होने वाले बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भेजने की बात कही। बॉक्सिंग खिलाड़ियों ने कहा कि यहां के छात्र छात्रा नेशनल लेवल से लेकर राज्य स्तर पर बॉक्सिंग में मेडल ला चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद विश्वविद्यालय के द्वारा कैलेंडर से बॉक्सिंग को हटा दिया गया, जिससे छात्रों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति ने खेल को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की बात कही थी, लेकिन यहां विश्वविद्यालय के द्वारा कैलेंडर से खेलों को ही हटा दिया जा रहा है। इधर कुलसचिव का कहना है कि वह इसके लिए खेल पदाधिकारी और कुलपति से बात कर जल्द ही इस पर कोई निर्णय लेंगे। विश्वविद्यालय के कैलेंडर से, खेल का जो कैलेंडर होता है, उससे बॉक्सिंग को हटा दिया गया। अब उन लोगों का कहना है कि बॉक्सिंग नहीं, हाँ नहीं है, खिलाड़ी नहीं है। अगर खिलाड़ी है नहीं तो फिर इतना खिलाड़ी आए हम लोग कहाँ से? पिछले बार भी मेहनत किए थे, पिछले बार स्टेशन से सब कोई घूम के आ गया था सारा स्टूडेंट, जबकि उस बार ट्रैक सूट सब कुछ नहीं मिला था, कोई भी किट नहीं मिला था। कहाँ कहाँ खेल चुके हैं आप लोग? हम 7 नेशनल खेल चुके हैं और एक खेलो इंडिया भी खेले हैं, और जिसमें देहरादून रुद्रपुर देहरादून में उत्तराखंड में हम ब्रॉन्ज मेडल भी दिए थे। अब हम इस मुद्दे पर फिर हम एक दिन बुलाए थे स्पोर्ट्स इंचार्ज को, अभी हम तुरंत उनको स्पोर्ट्स इंचार्ज को बुलाते हैं और उनको हम VC साहब से बात करवाते हैं। बॉक्सिंग की ये जो स्थिति है यहाँ, जब विद्यार्थी आए हैं बॉक्सिंग के, तो फिर हम उस पर स्पोर्ट्स इंचार्ज से कहेंगे कि पुनर्विचार कीजिए और VC साहब से भी बात कीजिए और सिचुएशन को उनको हम समझाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक होगा, जहाँ तक संभव है, हम प्रयास करते हैं कि इनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस जिला नवगछा में अपराधी बेखौफ, दिन दहाड़े व्यक्ति की गोली मार कर की हत्या। भागलपुर पहुंचे DRM ने चेंबर अधिकारियों के साथ की बैठक, रेल डाक एवं पार्सल को लेकर हुई चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को लेकर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, बेहतर कार्य करने वालों को किया गया सम्मानित। भागलपुर SSP कार्यालय के समीप दो मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर, एक युवक की हुई मौत, दूसरे की हालत गंभीर। और विश्वविद्यालय में छात्र राजद ने किया जमकर बवाल, TNB के प्राचार्य को हटाने की मांग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।